अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बालाघाट नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कनकी के किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। लालबुरा ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष दुर्गा पगरवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों और किसानों ने बालाघाट लालबुरा मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लालबुरा ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष दुर्गा पगरवार के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों और किसानों ने बालाघाट लालबुरा मुख्य मार्ग पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी को शांत करवाया। लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में ग्राम कनकी सहित आसपास के 4 से 5 गांवों के सैकड़ों किसान इस चक्का जाम प्रदर्शन में शामिल हुए। इस चक्का जाम प्रदर्शन में ग्राम पंचायत कनकी की सरपंच भी प्रमुख रूप से शामिल रही। किसानों और ग्रामीणों के प्रदर्शन के चलते मार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उद्योगपतियों को बिजली दी जा रही है और पूरा गाँव अंधेरे में डूबा रहता है। इसके लिए पूर्व में जिला कलेक्टर और बिजली विभाग को भी चेतावनी और ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें 5 अक्टूबर तक समस्या नहीं सुलझा जाने पर आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया गया था। जिला प्रशासन के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ग्रामीणों को विरोध करना पड़ा। हमारी मांग यह है कि आज के 15 दिन पहले हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को एवं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था कि ग्राम पंचायत कनकी में जो बिजली कटौती हो रही है प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसका मेन कारण यह है कि जो गर्रा औद्योगिक क्षेत्र है, अब बेरे भी औद्योगिक क्षेत्र हो गया लगभग, फैक्ट्रियाँ राइस मिल बेरे में बन चुकी, तो उद्योगपतियों ने जो खरीद लिए हैं बिजली विभाग को और जो मेन रोड से 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो और जो बस्ती में ग्राम पंचायत पूरे कनकी में लोग अंधेरे में रहे, उनका कोई माई बाप नहीं। तो हमारी मांग यह है कि संपूर्ण ग्राम पंचायत कनकी माँ का मौसी का क्यों किसी को माँ का मौसी का क्यों तो वह सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। बहुत परेशान है पब्लिक, आप देख रहे हैं लेडीज से माता बहन हमारे साथ खड़ी है, हमारे साथ सरपंच महोदय भी आप उनकी बाइक लेना, तो हमें परेशानी इस बात की है कि बोल करना सबकी बंद करो, हमारे घर के सामने लाइट चल रही है और हमारे घर में अंधेरे में ऐसा होता क्या। हमने ज्ञापन दिया था, चुनौती का ज्ञापन दिया था बिजली बात कलेक्टर महोदय को कि हमारे 5 तारीख तक अगर आपने कार्रवाई नहीं की है या हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम आंदोलन करने बाध्य होंगे और चका जाएंगे। उसी फलस्वरूप हमने आज ग्रामीणों के साथ मिलकर समस्त ग्रामों से मिलकर आंदोलन करने बाध्य आगे भी अगर आपकी समस्या का समाधान। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी व लालबुरा तहसीलदार ने जल्द ही समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन प्रदर्शनकारियों को दिया है, जिसके बाद चक्का जाम आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बिजली कटौती बात क्यों हुई पूरी है, चक्का जाम किया गया है 25 और 27 नवंबर को युवाओं द्वारा सर, लेकिन हमें जा रहा है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, उसके बाद विभाग को दिया गया है, फिर यही हमको आगे आने पूरी नहीं होने के कारण आज हमको चक्का जाम किया गया। अगर पहले तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कटौती कोई भी नहीं की जा रही है, कहीं भी 1 मिनट की घोषित कटौती नहीं है। शटडाउन या ब्रेकडाउन होने पे लाइन का सुधार करके लाइन चालू की जाती है। रहा सवाल जो बिजली कनकी में ग्रामीणों को यहाँ पे प्रदाय की जा रही है, पूर्व में यहाँ पे व्यवस्था 11 KV सब स्टेशन, हमारा जो गर्रा सब स्टेशन है वहाँ से सप्लाई भपेरा फीडर से की जाती थी, जो समस्त गांव की सप्लाई कनकी में भपेरा फीडर से, वर्तमान में भपेरा फीडर में ज़्यादा इंटरप्शन और लोड बढ़ने के कारण उसके लोड को बांटा गया है और कनकी जो मुख्य ग्राम है, मुख्य सड़क है, इसकी सप्लाई को गर्रा के औद्योगिक फीडर से जोड़ा गया है। यहाँ के जो बड़े औद्योगिक कंज्यूमर हैं उन लोगों को सप्लाई यहाँ से जोड़ा गया है, जिसमें कनकी ग्राम बीच में आता है। इससे आधे गांव की बिजली धपेरा फीडर पे है, आधे गांव की गर्रा फीडर पे है। सप्लाई किसी में भी बाधित होती है तो यहाँ पे भी बंद होती है और गांव के अंदर भी बंद होती है। ऐसा नहीं है कि कटौती कोई अलग से की जा रही है। तो मामला इनका ये आरोप है किसानों को जरूरत थी, इस संबंध में भी विभाग से चर्चा करेंगे और इनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे, जो 8-10 साल के इनको मिली की किसानी के समय चाहिए दिलवाने का प्रयास करेंगे। सर आपको सतीश चौधरी, तहसीलदार लालबुरा।